गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो फॉर क्लास एट। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर द क्लास एट ऑफ लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का। एसएसटी में ज्योग्राफी, सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट है, उसका फर्स्ट लेसन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी लेसन का चढ़ा दिया है। दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल्स पहले उस वीडियो को देखें। उसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स का क्या कंसेप्ट है, रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज रिसोर्स हो सकती है, क्या ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्स हो सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी की है। तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आए। इस वीडियो के अंदर हम रिसोर्स की आगे की स्टडी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने कमेंट एक्सप्रेस करें, अपने व्यूज दें। नाउ आज हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करते हैं? क्या ऐसा है कि हम रिसोर्स का सिर्फ यूज ही करते रहें, वो जनरेट होते रहें, ऐसा कुछ है? या हमें उनके यूज के अंदर भी हमें उनकी ध्यान रखना पड़ता है, क्या ऐसा भी है? तो हमें कंजर्व करना है, उनको बताना है मतलब उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि वो लॉन्ग समय तक चल सके। हम पढ़ेंगे आज, यहाँ वही है, एनसीईआरटी का पैटर्न है कि क्लासरूम के अंदर टू स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन के माध्यम से लेसन को पढ़ाया गया है। यहाँ भी मोना और एक और स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है और टीचर डिस्कस करवा रही है। वो बच्चे अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं और इससे उनको लर्निंग हो रही है। अब देखते हैं हम, मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना को एक बार नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब रात को जो आने वाले सपने। सपना ड्रीम भी होता है, लेकिन ड्रीम वह होती है, सपने वो जो आप बनना चाहते हो, और नाइटमेयर जो आपको रात को आते हैं डरावने सपने। सी ड्रीम्ड, एक दिन उसको सपना आया, उसने सपना देखा दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। उसने देखा सपने में कि पूरा जो कुछ भी पानी था पृथ्वी को सब सूख गया है। ऑल द ट्रीज कट डाउन, सभी पेड़ काट दिए गए। देयर वॉज नो सैड्स, नथिंग टू ईट और ड्रिंक, न तो कुछ खाने के लिए, न कुछ पीने के लिए, नया छाया है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सैड। लोग सभी कुछ है ना सफरिंग कर रहे हैं और रोमिंग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर छाया के लिए और भोजन के लिए। शी टोल्ड हर मदर, सपने में है, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। सुबह जब उठती है तो मोना अपनी मदर को इन सब के बारे में बताती है। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है ना? आजकल उसकी मम्मी ने कहा हाँ यस हो भी सकता है। तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन है, तो फिर क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल अबाउट या देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कैर। वॉटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो पानी अपने आप ही जनरेट होता है, मतलब बारिश होती रहती है, आता रहता है ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। लेकिन ये भी नॉन रिन्यूएबल तो खत्म होंगे ही होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो सकती है यदि हम इनका केयरफुली यूज नहीं करते हैं, तो इस केयरिंग में कमी आ सकती है। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, एक बार जरूर खत्म होंगी। कौन से नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज, जैसे कोल है, गैस है, पेट्रोलियम है ना, ये कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएंगे एंड गेट एग्जॉस्टेड। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। राजू ने पूछा कि हम फिर क्या करना चाहिए। लॉर्ड्स रिप्लाइड माउ, मम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं हम, है ना, बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास में है। यस कंटिन्यू, यस, यूजिंग सोर्सेस केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब ये डेफिनेशन है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है क्योंकि आज का टॉपिक यही है। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक यूज करना, ओके, रिसोर्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक यूज करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें यूज कर लिया, जैसे मैंने पानी को यूज कर लिया है ना, या कोई और चीज को यूज कर लिया, तो उसे रिन्यूड होने दें। रिन्यूड का मतलब है जैसे जो
गैस है या जो पानी अंडरग्राउंड पानी जो हम काम में लेते हैं, तो कभी कभी होता है कि लगातार पानी को खींचते रहते हैं अंडरग्राउंड और फिर अंडरग्राउंड का पानी खत्म हो जाता है। तो हमें उसको लिमिटेडली यूज करना चाहिए। हमें पता है कि हम इतना यूज करें, 2 घंटे 4 घंटे यूज करें, ऐसा नहीं कि 24 आवर से चलता रहे, है ना। तो रिसोर्स का केयरफुली यूज करना और उन्हें रिन्यूड होने का समय देना इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे आगे वाले इसी पैराग्राफ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? क्या ऐसा भी संभव है कि जितना भी इंडिया के अंदर कोयला है, जितना भी आयरन है, एल्यूमिनियम है, उसको हम 1 या 2 साल में एग्जॉस्ट कर लें और विश्व की सबसे जैसे डेवलप्ड कंट्री बन जाएं, या देश के सभी जो भी सर्वेंट है या सभी किसान है या जो भी लोग हैं उनके सबका जो माल है या उनके जितने पैसे एक बार रोक करके देश डेवलप हो जाए? क्योंकि अगर सभी कंट्रीज के अंदर सभी इम्प्लॉयज की अगर 1 ईयर की सैलरी अगर रोकी जाए तो देश काफी डेवलप्ड हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा होता है तो सस्टेनेबल नहीं है। हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी खतरा पैदा न करे, वो वैसे ही बने रहे। रिसोर्सेज को इस लेवल पर यूज करना कि आगे आने वाली जनरेशन में भी उसका उसी स्तर पर यूज हो, लिमिटेड यूज हो, उसे उसे रिन्यूड होने का समय दें और उनका लिमिटेड यूज हो। ये रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है ना। देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग थिंग्स। हम जो लोग हैं अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम पानी का यूज करते हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। हम उसको उसको बहुत ही सेंसिबल यूज करें, जितना जरूरत है उतना यूज करें, है ना। इसके अलावा रिसाइकल बिन का यूज करें, रीयूजिंग का यूज करें। रिसाइकल का यूज मतलब है प्लास्टिक है उसको हम दोबारा काम में ले सकते हैं, है ना। पेपर जो फट गए हैं, जो नोटबुक भर गई हैं, उनको हम दोबारा काम में ले सकते हैं। उनको जलाए नहीं, फेंके नहीं, उनको रद्दी वालों को दें ताकि उनका रिसाइकल यूज हो सके। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आर लाइव्स आर लिंक्ड। क्योंकि ये डिफरेंस करते इससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हमारा जीवन जो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, यूज करना, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, ताकि प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो होने के साथ साथ में ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब प्रेजेंट में हम अपने रिसोर्स को काम में लें, इस लेवल पर लें कि फ्यूचर में भी वो बचे, फ्यूचर में आने वाले जनरेशन वो काम में आए। आगे हम पढ़ते हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पॉकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड पेपर्स। उसी इवनिंग को कुछ बच्चों ने पेपर से की हेल्प से बैग्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, डिस्कार्डेड क्लोथ जो घर में कपड़े बेकार चले गए उनकी, बास्केट्स फ्रॉम द बॉम्बे स्टिक्स, बॉम्बे स्टिक्स बास्केट से कुछ बैग्स बनाई, मार्केट में जूट के बैग मिलते हैं। वी विल गिव, क्या प्लान था उनका, उन्होंने कहा हम देंगे, वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली, कुछ कुछ चीजें सभी परिवार को देंगे, जिनको हम जानते हैं। सैड मोना, मोना ने ऐसा कहा, आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ गुड कोज। क्योंकि बहुत ही इसको देने के पीछे हमारा लॉजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं। सेड मुस्तफा, टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव, रिसोर्सेज को बचाना अपनी पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट ए पेपर। मैं पेपर के वेस्ट करने के बारे में बहुत ही केयरफुल हूँ। सेड जैसी मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक ट्री। आपको पता है कि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ हर साल काटे जाते हैं, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं जो पेपर बनाने के लिए, और हम उसी पेपर को उसी नोटबुक को यूं ही फाड़ करके फेंक देते हैं, है ना। तो ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है, हमें इसको रोकना है ना। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यूज करने से ज्यादा रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो आगे यूज करने में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सी एक्सप्लेन्ड। आगे और पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है बना रहे हैं। यस,
I will see the electricity. That electricity is not a waste of my in my house. I'll see that electricity is not wasted in my house. Shouted Mustafa कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा मेरे घर में कि बिजली का दुरुपयोग न हो, अनावश्यक बल्ब नहीं जले. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. बिजली जो है कोयला पानी से बनती है. कोयला तो पानी तो चलो रिन्यूएबल है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोयला जलता है वो खत्म हो जाएगा. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम. और मैं भी इस बात का पक्का ध्यान रखूंगा कि पानी की एक बूंद भी घर पे वेस्टेज नहीं जाए. ये किसने कहा? आशा ने कहा. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. पानी की हर बूंद बहुत कीमती है. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. कोरस चिल्ड्रन सभी बच्चे साथ में बोलते हैं, हाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू देयर फ्रेंड्स डिड. ये सब चीजें राजू मोना और उनकी, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. आज से ही हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक भी पानी की बूंद वेस्टेज नहीं जाए, बिजली वेस्टेज बाहर नहीं हो, पेपर हम ऐसे फाड़ कर नहीं फेंकेंगे, उनको प्रॉपर यूज करेंगे. वॉट अबाउट यू? आपके बारे आपकी क्या राय है? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? आप रिसोर्स को कंजर्व करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं? फ्यूचर ऑफ आर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व द अर्थ लाइफ सपोर्टेड सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड. और हम हमारी ये कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले जनरेशन को एक अच्छा क्लाइमेट दें, है ना, एक ऐसा अच्छे रिसोर्सेज दें. और हमें इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम इस अर्थ के सिस्टम को जो नेचर हमें प्रोवाइड कर उसको मेंटेन करके रखें, इसका मिस यूज नहीं करें. देयरफॉर इसीलिए इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर. ये एंश्योर करने का हमारा कर्तव्य है क्या? दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल होने चाहिए. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड. अर्थ पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु, छोटे मोटे इंसेक्ट भी मिलते हैं, बड़े स्नेक भी मिलते हैं, एलिफेंट भी मिलता है, कैमरे भी मिलता है, काऊ भी मिलता है ना, सब चीजें मिलती है. या ह्यूमन में हम कह सकते हैं काला भी है, गोरा भी है, लंबा भी है, बोना भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है ना, इंग्लिश बोलने वाले भी है, हिंदी बोलने वाले भी है, संस्कृत बोलने वाले भी, मारवाड़ी बोलने वाले भी है. इन सबको हमें बना के रखना है. किसी एक के नए होने से इम्बेलेंस हो सकता है. जो भी चीजें संसार में है वो बैलेंस स्टेब्लिश करने के लिए है. उनका नए होने से कुछ न कुछ उसकी कमी जरूर फैल महसूस होगी. आगे हम करते हैं. द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज. और नेचुरल एनवायरमेंट का जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जाए. सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ प्रिंसिपल्स क्या है वो पढ़ते हैं हम. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ विटैलिटी and their diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude, practice towards the environment, enable community to care for all for their own environment. तो हमें क्या करना है? Respect and care of all form of life. इस पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ की फॉर्म है, मतलब जो डाइवर्सिटी है उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. हमें ब्लैक, हिंदी, मारवाड़ी, जो भी हमसे अलग हैं, है ना, उनसे किसी भी तरह का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. ओके, सेकंड इसमें लिखा है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कंजर्व द अर्थ वेटेलिटी एंड डाइवर्सिटी मिनिमाइज. इससे डाइवर्सिटी मिनिमाइज होगी. डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज है उसको हमें कम करना चाहिए. चेंज द पर्सनल एटीट्यूड, और हमारी जो राय है उसे हमें चेंज करनी चाहिए. प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरमेंट इनेबल कम्युनिटी, और हमें एनवायरमेंट इनेबल कम्युनिटी का एक ग्रुप बनाना चाहिए. टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरमेंट, ताकि हम उसके एनवायरमेंट को सेव कर सकें. आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमें क्या क्या करना है. प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेन डेवलपमेंट की? हमें सोर्सेज का ध्यान रखना है और उतना ही यूज करना जितना हमारे लिए उपयोगी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे मेरे इस चैनल पर. आपको इंग्लिश और सोशल साइंस क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन के आपको मिलेंगे. इन्हें देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.